इस वीरान किले में कभी 70 तोप और 8000 घोड़े तैनात किए गए थे। कोंकण तट पर मौजूद यह कोरले किला है, जो एक जमाने में पुर्तगालियों का सबसे ताकतवर किला हुआ करता था। मुंबई से 116 किलोमीटर दक्षिण में स्थित रायगढ़ जिले में मौजूद कोरले किला 2828 फीट ऊंचा है। अरब सागर से सटे हुए पहाड़ी पर यह किला रेवदंडा क्रीक और कोरले गांव से घिरा हुआ है। 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डिगामा के भारत तक व्यापारिक मार्ग खोजने के बाद मालाबार से लेकर दीव तक समस्त भारतीय पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का सैन्य शक्ति के तौर पर विस्तार हुआ। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वसई से लेकर गोवा तक के इलाके की हिफाजत के लिए अरब सागर को जोड़ती हुई रेवदंडा क्रीक पर मौजूद एक पहाड़ी पर कोरले किले का निर्माण सन 1521 में अहमदनगर सल्तनत की इजाजत से हुआ। यहाँ हिफाजत के साथ साथ पुर्तगालियों की तिजारत भी सक्रिय रूप से हुआ करती थी। किले की सुरक्षा के लिए बंदूकों के लिए करीब 305 युद्धपोत और एक विशाल बारूदखाने का भी निर्माण किया गया था। यहाँ पर मौजूद 7 बुर्ज कई मशहूर ईसाई संतों के नाम पर रखे गए हैं। पुर्तगाली सैनिकों के आध्यात्मिक जरूरत के लिए यहाँ एक चर्च भी बनवाया गया था। मोरो और कैसल कार्लियो जैसे नामों से जाने गए इस किले को पुर्तगालियों के सबसे बेहतरीन और ताकतवर किलों में गिना जाता था, जिसका जिक्र उस जमाने में आए कई पुर्तगाली इतिहासकार और प्रशासकों के लेखों में पाया जाता है। किले के निर्माण के कई सालों तक यहां पुर्तगालियों और अहमदनगर सल्तनत के बीच कई जंगें लड़ी गई, जिसका सिलसिला 17वीं शताब्दी के मध्य तक कायम रहा, जब दक्कन में मराठों का उदय हुआ। आखिरकार पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में मराठों से जारी जंग के कई वर्षों बाद सन 1739 में यह किला आखिरकार मराठों के हाथ आया, जिन्होंने 79 साल तक इसको अपने कब्जे में रखा। 4थे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद कोरले किला सन 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आया। सन 1858 के बाद जब भारत के सत्ता की बागडोर अंग्रेज सरकार के हाथ आई, तब यह किला वीरान रहा। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कोरले किला भारतीय पुरातत्व विभाग के तहत आया। किले के मजबूत दीवारों के भीतर सैनिकों के लिए बने बैरक, तोपखाने, चर्च और कई प्रशासनिक इमारतों जैसे कई स्थानों के अवशेष के साथ साथ अरब सागर और कोरले गांव के दिलकश नजारे भी देखे जा सकते हैं। आज कोरले किला पुर्तगालियों की सैन्य शक्ति और स्थापत्य कौशल के अद्भुत मिश्रण के तौर पर हर सैलानी को मंत्रमुग्ध करता है।